अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह जो है क्लास ट्वेल्व की बायोलॉजी को भी जिक्र करने वाले हैं लेकिन हम जो है शुरुआत यहाँ पर फेडरल क्लास की बायोलॉजी से करते हैं तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है जिसको हम जिक्र करेंगे वो है रेस्पायरेशन और उसके बाद होम्योस्ट्रेसिस और फिर इस तरह से दीगर चैप्टर्स हैं लेकिन सबसे पहले हमारा चैप्टर जो है वो है रेस्पायरेशन जिसको आज हम शुरू करने वाले हैं तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन का जिक्र करें लाइक अदर लाइफ प्रोसेस द रेस्परेशन प्रोसेस आल्सो अकर एट सेलुलर लेवल एंड ऑर्गेनिजमिक लेवल तो तमाम प्रोसेस की तरह रेस्पायरेशन का जो अमल होता है वो सेल की लेवल पे भी होता है और एक ऑर्गेनिजम की लेवल पर भी होता है द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन दैट अक्र एट सेलुलर प्रोसेस इज़ आल्सो कॉल्ड इंटरनल रेस्पायरेशन वो रेस्पायरेशन का अमल जो सेलुलर लेवल पे होता है उसे इंटरनल रेस्पायरेसन कहा जाता है टाबोलिक प्रोसेस और जो कि कैटाबोलिक प्रोसेस है एनर्जी रिलीज होती है इट इनिकरिक रिलीज ऑफ एनर्जी इसके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मालिक्यूल टूटते हैं सिंपलर मॉलिक्यूस के अंदर और साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है ऑन द अदर हैंड द प्रोसेस ऑफ रेस्पारेशन एट अक ऑर्गेनिज्मिको कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पारेशन जबकि दूसरा रेस्पारेशन जो ऑर्गेनिज्म की लेवल पे हो रहा है उसे हम एक्सटर्नल रेस्पारेशन कह रहे हैं इट इन्वॉल्व द इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्जेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सटर्नल रेस्पायरेशन के अंदर इनहेलिंग हो रही है ऑक्सीजन की और बाहर निकाला जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को जब सांस बाहर निकाली जा रही है बोथ द प्रोसेस आर इंटरलिंक्ड एज द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर सेल्यूर एस्पारेशन इज इन्हेल्ड फ्रॉम एनवायरनमेंट व्हाइल द कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज़ प्रोड्यूस्ड इन इज सेलोर इन दिस एनवायरनमेंट तो यहाँ ये बात की जा रही है कि दोनों प्रोसेस जो हैं एक्सटर्नल रेस्पारेशन और इंटरनल रेस्पारेशन एक दूसरे के साथ लिंक्ड है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है कनेक्टेड क्यों है क्योंकि अगर हम इंटरनल रेस्पारेशन की बात करें तो उसके अंदर ऑक्सीजन आएगी तो फुट जो है वो टूटेगा बड़ा हमारे कुल टूटेगा तो लाजमी बात है कि ऑक्सीजन का जो आना है ये इन्वामेंट से होगा और वो एक्सटर्नल रेस्पारेशन के नतीजे में जो है हासिल होगी और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी इंटरनल रेस्पारेशन के अंदर वो ज़ाहिर सी बात है एक्सटर्नल रेस्पारेशन के जरिए से जो है बॉडी की बाहर चली जाएगी तो ये दोनों प्रोसेस जो हैं एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं दिस चैप्टर डील्स विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रेस्पारेशन और इस चैप्टर के अंदर रेस्पारेशन के मुख्त मरल के बारे में मुख्त स्टेप्स के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं तो इसके लिए बस इतना था यह तो था हल्का सा इंट्रोडक्शन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनशाला प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पार्टी सर्फिस को जिक्र करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अस्सलाम वालेकुम